इन दिस चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करेंट ये चैप्टर जो पिछला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये उससे काफ़ी कुछ रिलेटेड है हम उसी के कंटिन्यूशन में आगे कंटिन्यू करेंगे एसी जनरेटर आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कॉयल रोटेट्स इन द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड द इंड्यूस्ड ई एम सो डेवलप्स विल बी ईज टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ओके यही था इंडूज डी एम एफ डेवलप्ड नाउ वट इज ई नॉट यू नो ई नॉट इज कॉल्ड द पीक वैली ऑफ ई एम एफ राइट यही पीक वैली ऑफ ई एम एफ एंड ओमेगा this omega is the angular speed of rotation of this coil which is revolving within the magnetic field and this is, will be 2 pi upon t this is omega and the value of the peak emf will be n this is total number of turns n b a omega दिस वॉज़ द पीक वैली ऑफ़ ई एम एफ और ये जो इंड्यूस्ड ई एम एफ डेवलप हुआ दिस डिपेंड्स अपॉन द टाइम दैट इज जो ई एम एफ यहाँ डेवलप हो रहा है आप कॉन्स्टेंट स्पीड से कॉयल को रोटेट करा रहे हैं ये कॉन्स्टेंट था इसका मतलब ये जो वैल्यू ई एम एफ ई है ये जो पोटेंशियल है ये किस पर डिपेंड कर रहा है इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द टाइम इसका मतलब वट इज़ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का मीनिंग ये होगा स्टूडेंट्स द वोल्टेज हुज मैग्नीट्यूड एज वेल एज पोलैरिटी डायरेक्शन ऑल्सो जो आपने पिछले चैप्टर में ग्राफ बनाया है ग्राफ कैसा बनाया था इसका अगर हमने ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ टाइम और ईएमएफ का ग्राफ अगर आप बनाते हैं इट इज जीरो इट इज़ टी बाई फोर टी बाई टू थ्री टी बाई फोर एंड टी इसका ग्राफ आपने अगर बनाए दिस इज द ग्राफ दिस वैल्यू इज कॉल्ड द ई नॉट पीक वैल्यू ऑफ ई एम एफ तो यहां पर क्या हो रहा है ई एम एफ का मैग्नीट्यूड देखिए टाइम के साथ बढ़ रहा है डिक्रीज़ हो रहा है और उसके साथ साथ इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो रही है यहाँ पर पॉजिटिव ई एम एफ यहाँ पर ई एम एफ कैसा है नेगेटिव तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग करंट किसे कहेंगे उसे कहेंगे जिसमें ई एम एफ या पोटेंशियल टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी दोनों अगर चेंज होते हैं देन दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऐसा ही ऑल्टरनेटिंग करंट भी होगा स्टूडेंट्स जिसमें करंट टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी बोथ हेयर यू कैन टेक द इंस्टेड ऑफ ई आप इसको यहाँ पर करंट भी ले सकते हैं दिस कैन बी करंट ऑल्सो और करंट की इक्वेशन आपने देखी थी क्या था आई इज इक्व टू आई नॉट साइन ओमेगा मेगा डीज आई नॉट क्या है पीक करंट अगर आपने आई वाई एक्सेस में लिया है देन दिस विल बी द आई नॉट तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट दिस ईएमएफ दिस करंट डिपेंड्स अपॉन द टाइम therefore this current is called instantaneous value of current value of current इस i को क्योंकि ये i किस पर डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स टाइम पर टाइम के बढ़ने से i चेंज होगा मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा उसकी पुलरिटी भी चेंज हो रही है इसलिए This I is called instantaneous value of current, instantaneous value of potential, peak potential, peak value of potential, speed by which it is rotating, and this complete value omega t. You know well, face of the equation of this particular equation, face of the EMF.

जैसा अभी हमने देखा अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करेंट एंड करेंट हुज मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी चेंजेस विद टाइम पीरियोडिकली जिसका मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी चेंज होते हैं टाइम के साथ आफ्टर अ डेफिनेट टाइम पॉजिटिव फ्रॉम जीरो टू टी बाई टू टी बाई टू टू टी नेगेटिव अगेन पॉजिटिव नेगेटिव लाइक दिस सो विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम अगर उसका मैग्नीटूड और पोलरिटी चेंज होते हैं देन दिस टाइप ऑफ करेंट इज कॉल्ड द ऑल्टरनेटिंग करेंट नाउ देर आर सर्टेन एडवांटेजेज एंड डिसएडवाटेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करेंट क्या हैं सबसे पहले हम एडवांटेज पढ़ें सबसे पहला है जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ चीपर ऑल्टरनेटिंग करेंट का प्रोडक्शन सिख के अलावा उसका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन ये ईजियर है क्योंकि हम जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वहाँ ईज़ीली हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑल्टरनेटिंग करेंट को इस्टेप अप कर सकते हैं इस्टेप अप करके हम ट्रांसमिट करते हैं और ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करेंट्स में तो उसको आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन भी किया जा सकता है आप अपनी सिटी में देखें जगह जगह ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं दीज ऑल आर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तो हम ऑल्टरनेटिंग करेंट को ईजीली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कर सकते हैं थर्ड ए सी कैन बी ईज़िली कन्वर्टेड टू डी सी आपने अपने घरों में देखा होगा छोटा सा चार्जर है मोबाइल चार्जर है दिस कन्वर्ट्स ए सी टू डी सी दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ वेरी सिंपल सर्किट रेक्टिफायर इट कैन बी कन्वर्टेड टू द डी सी ओ ए सी कैन ट्रेवल ऑन द सर्फेस ऑफ द वायर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ए सी हमेशा वायर के सरफेस पर ट्रैवल करती है इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी वायर जो एसी को फ्लो कराने के लिए यूज़ करते हैं उसके अंदर बहुत पतले पतले वायर्स होते हैं वो तो क्यों होते हैं पतले वायर्स एक सिंगल मोटा वायर क्यों नहीं होता इसका रीज़न इसका रीज़न ये है कि अगर हम नंबर ऑफ वायर्स बढ़ा दें भले ही हम उनकी थिकनेस कम कर दें उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा वॉल्यूम तो सेम रहेगा जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा मोर अमाउंट ऑफ द करंट कैन ट्रेवल ओवर द वायर्स देरफोर ए सी कैन ट्रेवल ऑन द सर्फेस आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उसमें नंबर ऑफ़ वायर्स एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं क्यों नंबर ऑफ वायर्स हम एक सिंगल वायर क्यों नहीं हम यूज़ करते हैं वो इसलिए यूज़ नहीं करते सिंगल वायर यूज़ करने से उसका एरिया कम होगा वायर्स का नंबर बढ़ाने से उनका एरिया बढ़ जाता है टोटल एरिया नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट डिसएडवांटेज क्या है एसी के एसी का पहला डिसएडवांटेज है एसी इज़ मोर डेंजरस देन डीसी एसी डीसी के कंपैरिजन में ज़्यादा डेंजरस है क्यों आपके घरों में जैसे टू ट्वेंटी वोल्ट एसी फ्लो होती है ये जो 220 ट्वेंटी वोल्ट ए सी है स्टूडेंट्स ये आर एम एस वैल्यू कहलाती है दिस इज़ आर एम एस वैल्यू इट इज़ नॉट द मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप उसे रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे देन मैक्सिमम वैल्यू इज 311 हंड्रेड वोल्ट्स मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल वैल्यू से नोटेड वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू और ए की हमेशा ज़्यादा होती है इसलिए ए ज़्यादा डेंजरस है इन कंपैरिजन टू द डीसी इसका डिटेल आप नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे इट कैन नॉट बी यूज फॉर इलेक्ट्रोलिस ये इलेक्ट्रोलिस में यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी जो पोलैरिटी है वो एक डेफिनेट टाइम के बाद क्या होती रहती है रिपीट होती रहती है हमने इसीलिए आपने देखा होगा कि रिफाइनिंग में मेटल्स की रिफाइनिंग में हम डीसी का यूज़ करते हैं क्यों कांस्टेंट करंट आइंट्स विद अ पर्टिकुलर पोलैरिटी एक प्लेट पॉजिटिव दिया दूसरा नेगेटिव दिया अब अगर हम उसकी पोलैरिटी बार बार चेंज करेंगे तो आयस का फ्लो विद इन द सेल जिक जैक मोशन टूवर्ड्स वन प्लेट टू अनदर प्लेट दैट प्लेट टू फर्स्ट प्लेट ये कंटिन्यूस मोशन होता रहेगा इसलिए हम जब भी इलेक्ट्रोलिस करेंगे स्टडी करंट, डायरेक्ट करंट को ही हमेशा हम प्रेफर करते हैं फॉर द इलेक्ट्रोलिस पर्पस दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ए सी नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट द मीन वैल्यू और द एवरेज वैल्यू अभी इसके लास्ट टॉपिक में आपने देखा कि अगर हमारे पास एक साइकिल ऑल्टरनेटिंग करंट का दिया हुआ है दिस इज द ग्राफ ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, हेयर इट इज टाइम एंड हेयर इट इज करंट, इट इज ज़ीरो टी बाय टू एंड टी ओके ये एक कंप्लीट साइकिल है नाउ स्टूडेंट्स आप इसका इस एक साइकिल का मीन निकालना चाहें ये जितना यहाँ पर पॉजिटिव आई नॉट होगा प्लस आई नॉट होगा उतना ही ये माइनस आई नॉट होगा आप इसका मीन निकालना चाहें मीन अगर आप इसका निकालते हैं तो क्या होगा प्लस आई नॉट माइनस आई नॉट अपॉन टू नेट वैल्यू क्या आएगा इसका ज़ीरो टू टी मीन वैल्यू जो इसकी आएगी दैट विल बी द जीरो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू क्या होगी इसकी जीरो होगी हमेशा जीरो होगी जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव तो एक पहली चीज पहली चीज हम कंप्लीट साइकिल के लिए मीन वैल्यू नहीं निकाल सकते इसलिए हम सिर्फ निकालेंगे किसी एक साइकिल के लिए आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव मान लीजिए हम इसका पॉजिटिव तो हमको टाइम पीरियड कितना लेना पड़ेगा टाइम कितना लेना पड़ेगा जीरो टू टी बाय टू हमेशा ध्यान रखिए मेन वैल्यू निकालना है आपको टाइम जीरो टू टी बाय टू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा दूसरी चीज़ मेन वैल्यू सिंपल मेथड से नहीं निकलेगी नॉट बाय द सिंपल मेथड क्यों यहाँ ग्राफ देखिए सीधा ग्राफ इट इज़ नॉट द स्ट्रेट लाइन इट इज़ नॉट द स्ट्रेट लाइन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है कि हमने सिंपल मैथमेटिकली फॉर्मूला लगाया और उसका मीन वैल्यू कैलकुलेट किया तो पॉजिटिव साइकिल में भी ग्राफ कर्व के फॉर्म में है इसलिए हम साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं मीन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए और वो जो साइंटिफिक मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कोई एक सेकंड मैथ मेथड जो है हमारा मेथड हम इसको एडॉप्ट करेंगे कोई एक सर्किट दिया हुआ है ओके okay? इस सर्किट में हम स्टडी करेंट सप्लाई किया स्टडी करंट दिया सर्किट में टाइम टी बाय टू राइट जब हमने करंट इस सर्किट में दिया इट सप्लाईज द करेंट टू दर्किट लेट डी क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई टू द सर्किट ओके अब हम स्टडी करेंट के बजाय सेम सर्किट में इन द सर्टेन टाइम दैट इज टी बाय टू टाइम के लिए हम अब सप्लाई करेंगे ए सी टाइम कितना टी बाय टू ओके तो जितना भी आप अगर एसी सप्लाई करेंगे इतना आपको एसी सप्लाई करना है जिससे चार्ज प्रोड्यूस्ड कितना हो डी क्यू चार्ज सप्लाई टू द सर्किट डी क्यू क्योंकि स्टडी करंट से भी चार्ज सप सप्लाई डी क्यू था तो इतना अमाउंट एसी का दीजिए जिससे कि चार्ज सप्लाईड सर्किट में कितना हो जाए सेम चार्ज ओके तो ये हमारा साइंटिफिक मेथड रहेगा और इसी मेथड को हम फॉलो करेंगे अब उसके लिए डेफिनेशन देखिए ये लिखा हुआ है इट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्टडी करेंट विच सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज विच सेंड्स द विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज टू द सर्किट इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल एज सेंड बाय द एसी एस सेंड बाय द ए सी इन द टाइम इंटरवल इन द सेम सर्किट इन हाफ साइकिल ओके हाफ साइकिल जीरो टू टी बाई टू सो मैथड हमारा हम इस मेथड को अडोप्ट करेंगे अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे कैसे चार्ज सप्लाइड हम दोनों मैथड से निकालेंगे और चार्ज सप्लाई सेम होगा you know the formula i is equals to dq upon dt right dq can be written as idt okay let i is equals to i naught sin omega t this is the current supplied alternating current supplied to the circuit कितने समय के लिए हमें अप्लाई करना है टी बाई टू के लिए ध्यान रखिए तो डी क्यू जो हो जाएगा आई इस आई को यहाँ सब्सिट्यूट करें आप आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड डी टी एंड टाइम इज ज़ीरो टू टी बाई टू चार्ज कितने समय के लिए होना चाहिए जीरो टू टी बाय टू के लिए ये ध्यान रखिएगा हेयर ज़ीरो टू टी बाय टू सो दिस इज़ क्यू एंड हेयर आई नोट इज़ टेकिन आउट विच इज़ अ कॉन्स्टेंट पीक वैल्यू ऑफ द करेंट जीरो टू टी बाय टू साइनेगा टी डी टी ओके अब आप इसका इंटीग्रेशन करें साइन का इंटीग्रेशन आप करेंगे यहाँ पर तो क्यू इजिक्वल्स टू आई नॉट इंटीग्रेशन किया माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा लिमिट ज़ीरो टू टी बाई टू ओके कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा नाउ माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा माइनस इज टेकिन आउट ओमेगा इज ऑल्सो टेकिन आउट सो इट इज़ कॉस ओमेगा टी ज़ीरो टू टी बाई टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा इस स्मॉल टी की जगह अब आप लिमिट पुट करें हाई लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आप को मिलेगा कॉस ओमेगा ओमेगा इज टू पाई अपॉन टी इन टू स्मॉल टी स्मॉल टी की जगह आपने सब्सिट्यूट किया है टी बाई टू टी बाई टू माइनस कॉस ज़ीरो दिस विल कैंसिल आउट दिस विल कॉस पाई कॉस वन एटी डिग्री माइनस वन माइनस कॉस जीरो वन सो दिस विल बी माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा Minus 1 minus 1. It is minus 2, minus is already over here. So it is 2 i naught upon omega. Omega is 2 pi upon capital T. Okay. This is the value of the heat of the char of the charge given to the circuit number 1. <clears throat> charge equivalent to the average value when constant steady current is supplied to the circuit this charge can also be written as i mean into time time is how much charge is e current into time the current the equivalent to the mean value and time is how much t by 2 equation number 2 now this is also the charge supplied to the circuit is same. Therefore, I mean into T by 2 is equals to 2 I naught T upon 2 pi. Now, solve it. T cancel out, 2 cancel out. I mean will be equals to 2 I naught upon pi. This is the value of mean value of the alternating current on the same basis you can calculate the mean value of alternating emf or your alternating potential v mean is equals to 2 v naught upon pi okay so in this way you can calculate the value or this can be put the value of pi 3.14 so this will be equivalent to the 0.63 i naught isko 2 upon pi isko solve करें 0.63 i naught this is the value of the mean value of the current and mean value of the potential now अभी हमने देखा सिर्फ एक cycle half cycle के लिए 0 to t बाइट में अब बच्चों अगर हम पूरा टाइम टी के लिए फॉर द वन कंप्लीट साइकिल कैपिटल टी का मीन निकालें वो हमेशा ज़ीरो आएगा इसलिए कंप्लीट साइकिल का मीन वैल्यू हम नहीं बोलेंगे हम क्या निकाल सकते हैं क्या निकालते हैं आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू आरएमएस वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल एक साइकिल के लिए जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जीरो टू कैपिटल टी तो फॉर दिस अभी हमने यहां देखा कि जीरो टू टी बाय टू वी विल कैलकुलेट मीन वैल्यू एंड जीरो टू टी निकालने के लिए मीन वैल्यू नहीं निकालेंगे एफेक्टिव वैल्यू एफेक्टिव वैल्यू और आरएमएस वैल्यू आर एम एस वैल्यू यहां कॉन्सेप्ट हमारा क्या था बच्चों यहां कॉन्सेप्ट हमारा था कि हमने सर्किट में चार्ज सप्लाई किया था ओके यहां हम इसके लिए इफेक्टिव वैल्यू के लिए निकालने के लिए जीरो टू टी हम चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं ले सकते क्यों नहीं ले सकते चार्ज का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं ले सकते चार्ज का कॉन्सेप्ट क्योंकि वहाँ पॉजिटिव साइकिल भी दिया नेगेटिव भी दिया तो हम यहाँ पर चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पर इस कंडीशन में अगर आप जीरो टू टी निकालना चाहें इफेक्टिव वैल्यू निकालना चाहें देन इन दैट केस द कॉन्सेप्ट इज हीट हीट का कंसेप्ट होगा तो इन द सेम प्रोसेस वी विल यूज़ द इफेक्टिव वैल्यू फॉर उ मच टाइम जीरो टू टी जीरो टू टी इस टाइम के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हीट ये इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज किया गया था चार्ज एस वी स्टीट अर्यर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और एफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए सी तो अभी हमने आपको जैसा इसके पहले आर्टिकल में बताया कि कोई भी कंडक्टर आपको दिया हुआ है एनी कंडक्टर इज़ गिवन टू यू एंड इन दैट कंडक्टर हम यहाँ पर सबसे पहले स्टडी करंट यहाँ पर इसको सप्लाई किया इस कंडक्टर में फॉर द टाइम किस टाइम के लिए टी टाइम के लिए क्योंकि आर एम एस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और अफेक्टिव वैल्यू अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं पूरे टाइम के लिए टाइम पीरियड जीरो टू टी नाउ अगर आपने इसे स्टडी करंट दिया अमाउंट ऑफ हीट विल बी डेवलप्ड हीट विल प्रोड्यूस्ड कंडक्टर में आपने करेंट uh, दिया अब इस स्टडी करंट की जगह अब हम इसमें क्या दे रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करेंट अब हम इसमें ए सी दे रहे हैं कितने टाइम के लिए दे रहे हैं फॉर द टाइम कैपिटलिटी और इतना ए सी दीजिए इतना अमाउंट ए सी का दीजिए इन दैट टाइम सेम टाइम जिससे कि हीट प्रोड्यूस इन द सेम कंडक्टर शुड भी सेम हीट प्रोड्यूस्ड दोनों का कैसा होना चाहिए सेम तो डेफिनेशन देखें It is the value of a steady current which produces the same amount of heat in a conductor for a certain time interval as it produced by AC during the time period, right. Same time period, same name it's itna amount diji AC ka jisse heat produced kaisa ho same. Now how can you calculate the value of RMS? First of all. वी विल कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द ए सी तो कैसे आप उसको हीट प्रोड्यूस्ड निकालेंगे नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी दिस इज द एमाउंट ऑफ हीट अमाउंट ऑफ करेंट गिविन टू द कंडक्टर हीट प्रोड्यूस्ड विल बी हाउ मच Dh I square R dt. Okay, you know this formula I square R t for the time t, for the dt time heat produces Dh. Now I square put the value of I I squ not square sine square omega t into R into dt. This is Dh.

Zero to t sine square omega t dt. Okay, you know this formula in class tenth sine square theta one minus cos two theta upon two. You know this formula. Because you know, sin square theta, uh, cos 2 theta is cos square theta minus sin square theta. So, from this, this will. Now, if you will put this value over here, replace theta with the omega t, kya hoga students? H heat produced will be I naught square R. जीरो टू टी वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू एंड डी टी ओके सिर्फ हमने क्या किया साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इस टर्म से रिप्लेस किया एंड डी टी इज ऑलरेडी देयर राइट i स्क्वायर i नोट स्क्वायर r अपॉन 2 इंटीग्रेशन जीरो टू टी वन डी टी माइनस जीरो टू टी कॉस टू मेगा टी डी टी इसको टू इज टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन इसको मैंने अलग अलग ब्रेकअप कर दिया नाउ स्टूडेंट्स किसी एक सिंपल मेथड है कॉस या साइन सिंपल कॉस है या सिंपल साइन है क्योंकि कॉस या साइन का जो ग्राफ होता है वो साइन सैडल आप इस तरह से देखें तो उसका इंटीग्रेशन फॉर वन कंप्लीट साइकिल एक कंप्लीट साइकिल के लिए जैसे सिंपल कॉस है यहाँ स्क्वायर नहीं है इंटीग्रेशन जीरो टू टी ओके टाइम पूरा एक कंप्लीट टाइम है पॉजिटिव साइकिल भी होगी नेगेटिव साइकिल भी होगी तो इसका इंटीग्रेशन जीरो टू टी सिंपल कॉस या साइन का हमेशा जीरो आता है तो ये जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस विल बी जीरो दिस टर्म विल बी जीरो ओनली द रिमेनिंग टर्म विल बी हाउ मच आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन टू इंटीग्रेशन जीरो टू टी एंड डी टी दिस विल बी द रिमेनिंग टर्म

अब अगर हम उसमें स्टडी करंट और इतना करंट कि वो अमाउंट हीट प्रोड्यूस का कैसा हो सेम हो तो अमाउंट ऑफ एसी इन दैट केस हीट प्रोड्यूस कैन आल्सो बी रिटन एज आई स्क्वायर आर एम एस आर इनटू टी सिंपल फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी आई स्क्वायर की जगह वो वैल्यू हमें रखना है और वो वैल्यू कहलाता है आर एम एस वैल्यू तो दिस इज आई आर एम एस स्क्वायर रेसिस्टेंस इज सेम बिकॉज वी आर नॉट रिप्लेसिंग द कंडक्टर हम कंडक्टर को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं टाइम कितना है जीरो टू टी है देखिए हर जगह दिस इज इक्वेशन नंबर टू सो हीट प्रोड्यूस मस्ट बी सेम दैट इज कंपेयरिंग कंपेयर One and two, we get I square RMS RT is equals to I naught square RT upon two. Okay, so RT will cancel out. I square RMS is equals to I naught square upon two, or I RMS. is equals to I not upon root two. So, this is very important formula students. RMS value of the current, I RMS, I not upon root two. इसी तरह से, इसी तरह से अगर हम potential का concept use करते हैं, तो इसी तरह से in the same way अभी हमने देखा I RMS is equals to I not upon root two.

हमने ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट की एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट ऑल्टरनेटिंग करंट इट इज़ टू आई नॉट अपॉन पाई आर एम एस वैल्यू ऑफ द करेंट आई नॉट अपॉन रूट टू दिस इज फॉर द टाइम कैपिटल टी एंड दिस इज फॉर द टाइम टी बाय टू ओके यहाँ हमने चार सप्लाई किया था किसी सर्किट में यहाँ हम हीट प्रोड्यूस देख रहे हैं वहाँ चार्ज सप्लाई टू द सर्किट था नाउ इसको आप सॉल्व करेंगे दिस विल बी द ज़ीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन आई नोट दिस इज़ आई आर एम एस ओके एंड आई एवरेज आई एवरेज इसको आप सॉल्व करेंगे अभी हमने सॉल्व किया था जीरो पॉइंट सिक्स थ्री सेवन आई नॉट दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आर एम एस वैल्यू एंड द एवरेज वैल्यू ग्राफिकली हम उसको देखें कहाँ लोकेट होगा इफ दिस इज़ द ग्राफ बिटवीन टाइम करेंट या पोटेंशियल करंट का अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर ले रहे हैं सिंपल ग्राफ यह होगा दिस इज आई नॉट दिस इज द वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू ऑफ द करंट आई नॉट जीरो टी बाय टू एंड टी एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू कहां लोकेट होगी दिस इज पॉइंट फाइव हाफ ऑफ आई नॉट पॉइंट फाइव आई नॉट इट इज पॉइंट जीरो पॉइंट सिक्स थ्री सेवन मीन्स ये मिड पॉइंट है इस आई नॉट का मिड पॉइंट ये है यानी ये होगा पॉइंट फाइव आई नॉट पॉइंट सिक्स थ्री दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आई एवरेज इट इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट सिक्स थ्री सेवेन आई नोट दिस इज द वैल्यू ओके आर एम एस वैल्यू कहाँ होगा जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन मीन्स ये यहाँ होगा ये तो इस पॉइंट से ऊपर ही होगा दिस विल बी द Value of uh, RMS value I RMS. RMS value will be the 0 0.707 I0. So this value is 0 0.5, this is 0 0.6, this is 0 0.7. So these are the different value of the average value and RMS value of the current, and this is I naught. Okay.